Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टी वी सुपरचैट लाइव के साथ ताहिर गोरा आपकी खिदमत में हाजिर है हफ्ते की शुरुआत है मंडे का दिन है न्यूयॉर्क टोरंटो और डीसी में इस वक्त दोपहर के आलमोस्ट 12:40 पीएम हुए हैं और भारत में 10:40 पीएम का समय होगा बातचीत हम कर रहे हैं आपके साथ आज जो बाइडन की विक्ट्री के हवाले से और उसके साथ साथ अर्नब गोस्वामी का जो केस है भारत में उसके हवाले से और फिर बातचीत हम उसको जोड़ेंगे जो राइट और लेफ़्ट की आइडियोलॉजीज़ हैं रादर इन पॉलिटिक्स और इन जर्नलिज्म इवन इन पर हम बातचीत करेंगे और यही सुपरचैट आज आपके साथ होगी आपकी बातें सुनेंगे अपनी बातें सुनाएंगे और हम आपके कमेंट्स भी लेंगे और इसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको अपनी सुपर चैट का हिस्सा बनाएंगे सुपर चैट का एक मकसद ये भी होता है कि आपके साथ हम इंगेज हों आपको अपने साथ इंगेज करें और इसी जो हमारा रिलेशनशिप है इंटरैक्टिव, जो हमारा डायलॉग है आपस में उसमें हम सुपर चैट करें यानी बातचीत करें उसमें आप हमें कंट्रीब्यूट uh, भी करते हैं यूट्यूब के राही और उसके साथ साथ आप हमें पे पॉल डॉट मी स्लेशग टी वी इंटरनेशनल के राही ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सबसे पहले बातचीत शुरू होगी यू एस के इलेक्शन के रिज़ल्ट के कॉन्टेक्स में आप सब ने अब तक की जो सूरत हाल देखी उसके मुताबिक जो बाइडन अब तक अनऑफिशली इल, प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो चुके हैं ऑलमोस्ट सेवेंटी फोर मिलियन वोट्स जो बाइडन को मिले और सेवेंटी वन मिलियन के करीब वोट प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं पिछले हफ्ते जो हमने आपके साथ सुपरचैट की उसमें आ, रिजल्ट्स आ रहे थे रिजल्ट्स रुके हुए थे अभी भी द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आए प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीकेंड पे गोल्फ खेलते हुए ये वाजे किया कि अभी भी वो कंसीड नहीं कर रहे अभी भी वो अपनी हार नहीं मान रहे वो लीगल आ, जो हैं बैटल उसमें अपने आप को उन वो ख़ुद और उनकी जो कैम्पेन की टीम है वो एक तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो उनका डेमोक्रेटिक हक हाँ है लेकिन बातचीत ये होगी कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना है कि मुझे लीगल वोट जो मिले हैं उसके मुताबिक मैं ही जीता हूँ और वो कहते हैं कि वो जो इलीगल वोट हैं जो वो कहते हैं इलीगल वोट्स हैं वो कहते हैं कि वो ग़लत है इसी की बेसिस पे वो कोर्ट्स में जा रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि कोर्ट्स उनके इस आ, क्लेम से कन्विंस होंगी क्योंकि अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई है जो काउंटिंग आई है जो वहाँ का अमेरिका का इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है उसके साथ साथ जो वहाँ की जुडिशरी है या वहाँ का जो मीडिया है वो कन्विंस है कि जो बाइडेन जीत चुके हैं लेकिन ये बात तय है कि मुकाबला बहुत सख्त था जैसा कि आपको मालूम है अमेरिका की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा वोट आज तक नहीं पड़े जितने वोट इस इलेक्शन में पड़े हैं कोविड का समय था और उसमें मेल इन बैलट्स और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन भी कैंपेन थी वो भी जुड़ी हुई थी ये सब जो है एक रिकॉर्ड वोट्स का टर्न आउट लेकर आई जो बाइडेन अनऑफिशियली प्रेसिडेंट इलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीडिया के ज़रिए और बहुत सारे ग्रुप्स के ज़रिए करार पा चुके हैं ख़ुद भी वो अपनी एक तकरीर में अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कह चुके हैं और उनका हक है क्योंकि उनको भी एक बहुत बड़ी तादाद वोट्स की मिली है पिछले हफ्ते हम ये बहस कर रहे थे कि देखेंगे कि कौन फाइनली प्रेसिडेंट बनता है लेकिन आज के दिन आज के रोज़ ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं अब हमने ये देखना है कि किस तरह की पॉलिसीज़ सामने आएंगी किस तरह की दुनिया जो बाइडन के इलेक्ट हो जाने के बाद बनेगी यही आपके साथ सुपरचैट है इसको हम जोड़ेंगे ये थोड़ी सी ऊपर के लेवल की एक बहुत ही दुनिया के आ, जो है आ, जो हाई एंड बहस है वो प्रेजिडेंट जो बाइडेन का इलेक्ट होना है लेकिन ये बात जुड़ी हुई है राइट और लेफ्ट की आइडियोलॉजीज के साथ भी और इसको हम थोड़ा सा भारत की जो सिचुएशन है उसके साथ भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो इस सारी सिचुएशन में बहुत ही मैं समझता हूँ एक तरह से इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और जो हमारे सामने सूरत हाल बनती है वो ये है कि जो बाइडन के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद का अमेरिका किस तरह होगा होगा जो बाइडन की पूरी कैंपेन में उनका ख़ुद भी कहना यही था और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं मिस कमला हैरिस का भी कहना यही था कि हम एक जस्ट सोसाइटी बनाएंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी उनके हवाले से अमेरिका जस्ट सोसाइटी नहीं रही थी क्या चार साल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बिल्कुल बदल दिया था ये एक बहस है जो राइट और लेफ्ट की आइडियोलॉजीज़ के साथ जुड़ी हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी कई साथी उनसे एग्री नहीं करते थे जैसे अमित रोमनी हैं और भी कुछ लोग हैं वो नहीं एग्री करते थे उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स में बहुत अच्छे नहीं थे ये बात मैं भी एग्री करता हूं और करता रहा हूं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स में प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं कहीं ओवर द बोर्ड ज़रूर हो जाते थे लेकिन ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की एक आ, इंतहा आ, अब हम देखते हैं दुनिया में उसको प्रेसिडेंट ने चैलेंज किया मेरी ख्वाहिश थी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की चॉइस ऑफ वर्ड्स उस फाइट में भी पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ फ़ाइट में भी अच्छी होती तो शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प का ज़्यादा बड़ा जेस्चर ज़्यादा बड़ा कद बनता लेकिन बहरहाल जो आ, उनकी परफॉर्मेंस थी जो उनकी डिलीवरेंस थी फॉर द पास्ट फोर इयर्स वो पूरी दुनिया ने देखी बहुत ही एसर्टिव प्रेजिडेंट थे आ, अपने साथियों के साथ भी यानी जो एलाइज कंट्रीज़ थे यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ भी वो अक्सर बहुत ही सख्त बहसें किया करते थे जैसे नेटो का मसला है या फ्रांस एकॉर्ड से निकलने की बात थी तो इसी तरह यूएनओ के साथ जो उनका रवैया था यूएनओ की जो आ, हेल्थ की जो पॉलिसी थी तो वो इस सारे मसला पर बहुत ही फर्म रहे और बहुत ही उनका सख्त स्टैंड स्टैंडस होता था भारत के साथ वो अपनी दोस्ती की बातें किया करते थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लक की वो बातें खुद ही किया करते थे मगर इसके साथ साथ वो अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स में यकीनी तौर पर थोड़े से गैर मुतात रहते थे वो जहां भारत के साथ टैरफ का मसला होता था वो वहां पे रगेते भी थे और इसके साथ साथ वो सख्त बातें भी कर जाया करते थे यह है हमारी आज की सुपर चैट का मसला हमारे सामने क्वेश्चंस भी आना शुरू हो चुके हैं साथ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स भी कर रहे हैं लेकिन मैं इस सारी सूरत हाल को अब भारत के साथ भी जोडूंगा हमने ये भी आज सुपर चैट में अपने एजेंडे में रखा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी जी का जो केस है भारत में वो क्या हैसियत रखता है और उस पर जो बहस सोशल मीडिया पर हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट है वो मैं थोड़ा आगे जाकर उसको डिस्कस करूंगा ये सारी बातें किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं प्रेजिडेंट इलेक्ट जो बाइडन का इलेक्शन जीतना उसके साथ साथ जो भारत की पॉलिटिकल सूरत हाल है राइट और लेफ्ट की जो आइडियोलॉजीज हैं उस पर बातचीत अर्नब गोस्वामी के हवाले से जो बातचीत चल रही है ये सब बातें राइट और लेफ़्ट की आइडियोलॉजीज़ जो है इन जर्नलिज्म इन पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब आता हूँ राइट और लेफ्ट की आइडियोलॉजीज़ की तरफ एक बहुत बड़ा आ, मुद्दा चार सालों में डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के दौरान ये रहा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की आइडियोलॉजी है वो राइट right की आइडियोलॉजी है रदर फाराइट की आइडियोलॉजी है मैं पर्सनली इस बात को आ, नहीं समझ सका कि राइट और लेफ़्ट को आज के समय में आज के ज़माने में हम किस कॉन्टेक्ट में देखते हैं जो राइट और लेफ्ट का जो पुराना स्ट्रक्चर होता था जो पुराने पैरामीटर्स होते थे वो तो समझ आते हैं लेकिन आज की इस दुनिया में जब आइडियोलॉजीज इतनी हौच पौच हो चुकी हैं इतना कंफ्यूजन है कि उसमें राइट और लेफ्ट किस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रम्प जिस क्लास की बात करते थे वर्किंग क्लास की बात करते थे वो राइट का पुराना पैरामीटर नहीं होता था प्रेजेंट ट्रंप ने आम आदमी की बात की लेकिन जब आम आदमी की बात होती है तो अमेरिका में ही वेस्टर्न वर्ल्ड में ही आम आदमी भी अब अपनी वर्किंग क्लास से हटकर आइडियोलॉजी की बेसिस पर भी राइट और लेफ्ट में बटे हुए हैं आज से 30, 40, 50 साल पहले राइट और लेफ्ट की डिबेट में राइट के लोग वो समझा करते थे वो समझे जाते थे या वो पॉलिटिशियन समझे जाते थे जो साहूकारों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के सपोर्टर होते थे लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो लेफ़्ट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बिज़नेसेस, बहुत बड़े बड़े साहूकारों का टोला बना हुआ है राइट में भी साहूकार हैं लेफ़्ट में भी साहूकार हैं तो यानी अब वो डिस्टिंग्विश इकनॉमिक क्लास की वजह से ईजी नहीं रही मुमकिन नहीं रही फिर आज से 40, 50, 60 साल पहले राइट की एक ये लेयर होती थी कि वो एक्सप्लॉइटर समझे जाते थे लेफ़्ट की नज़रों में उनका यह ख्याल होता था लेफ़्ट की लोगों का कि यानी वो उस वक्त लिबरल कहलाते थे कुछ लिबरल फोर्सेस सोशलिज्म कम्युनिज्म के साथ जुड़ी होती थी कुछ लिबरल फोर्सेस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो एंटी कम्युनिस्ट भी होती थी लेकिन उसके साथ साथ वो एंटी राइट भी होती थी लेकिन अब ये सूरत हाल बहुत मख्तल हो चुकी है ख़ासतौर पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद चाइना का जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बदलने के बाद अब वो राइट और लेफ्ट की जो इकनॉमिक लाइंस पर जो डिविजन्स हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी हैं अब जो लेफ़्ट के बड़े बड़े स्पोर्टर्स हैं जैसे बिग टैक्स हैं गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट हैं या आपके सामने ट्विटर है ये अब बहुत ही रिच कॉर्पोरेशंस हैं दुनिया की रिचेस्ट कारपोरेशन्स हैं मगर इनकी जो लीनियज है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है यानी अब साहूकारी राइट के पास नहीं रही अब साहूकारी ज़्यादा लेफ्ट के पास हो चुकी है तो फिर इकनॉमिक लाइंस पर राइट और लेफ्ट की डिबेट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है फिर हम दूसरी लाइंस पर देखते हैं रेशियल लाइंस पर या रेसिज्म की लाइंस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बेस पर आज की दुनिया में राइट और लेफ़्ट की डिविज़न हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में ये इम्प्रेशन रहा और उनका एक तरह से परसेप्शन भी रहा और उनकी इंडिकेशंस भी रही कि जो सेटलर वाइट कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका की वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं और जो डेमोक्रेट्स की इस वक्त की जो पॉलिटिकल जनता है वो एक तरह से जो रेशियल पॉकेट्स हैं और उन रेशियल पॉकेट्स के साथ साथ जो उनके स्पोर्टर वाइट्स हैं वो उनके साथ खड़े हैं तो यूँ लगता है कि आज की राइट और लेफ़्ट की जो डिबेट है वो इकोनॉमिक लाइन से ज़्यादा रेशियल लाइंस पर चल रही है। हैं यानी जो मेन स्ट्रीम सेटलर्स वाइट कम्युनिटीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रसाइजली जब हम जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रम्प की आ, डिबेट के कॉन्टेक्स में देखेंगे अमेरिका में तो जो वाइट्स के साथ जुड़े हुए हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थे रिपब्लिकन पार्टी से भी ज़्यादा तो ये दूसरी तरफ से ये कार्ड खेला गया बल्कि जो बाइडन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के शुरुआत के दिनों में खुल के कहा था कि वो ब्लैक्स जो डेमोक्रेट्स को वोट नहीं देते वो ब्लैक्स नहीं हैं तो उन्होंने अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड एक्सट्रीम पर खेला बाद में जो बाइडन ने उसकी कई तरह से कलेरिफिकेशन करने की कोशिश की लेकिन उनकी जो मन की बात है और जो उनका माइंड सेट है वो सामने आ गया था और वो अपनी जगह पे एक आइडियोलॉजी है तो हम आज की दुनिया में राइट और लेफ्ट कह सकते हैं एक रेशियल लाइंस पर है जब दुनिया में इमिग्रेशन बहुत तेज़ी से हो चुकी है ये एक लाइन से आप देख लीजिए कि जो बाइडन ने प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद जिन तीन चार चीज़ों की तरफ इंडिकेशन दी कि वो उन पर तेज़ी से काम करेंगे एक तो वही था कि कोरोना वायरस को काबू करने के लिए काम करेंगे लेकिन वही बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहा करते थे कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो कोरोना पे मीडिया का जो ट्रायल चल रहा है उनके ख़िलाफ़ ये कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा वो तो ये कहते थे। ये किसी हद तक उनकी बात सही भी साबित होगी और हो भी रही है कि अब वो वाली डिबेट्स नहीं हो रही अगर चे प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी भी ऑफिस में हैं और वो जनवरी तक उनकी ज़िम्मेदारियां रहेंगी ऑफिशियली अगरचे वो उस तरह एक्ट नहीं करेंगे जिस तरह आ, वो पहले किया करते थे ये अमेरिका के हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है कि नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे टेक ओवर लेती है लेकिन जनवरी तक जब तक ऑफिस उनके पास नहीं आता पुराना प्रेसिडेंट बहरहाल इफेक्टिव होता है लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद कोरोना पे जो है वो डिबेट विद इन अ वीक हमने देखा कि डिसिपेट हो रही है गायब हो रही है और ये एक नेचुरल बात है कि ये इलेक्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा था वैसे भी ये ग्राउंड पे मुद्दा है भारत प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना पे वो आ, काम करेंगे फिर उन्होंने वो जो सेवन मुस्लिम कंट्रीज़ पर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आ, जो बैन लगाया था ट्रैवल आ, वो ख़त्म करने की बात की है इसके अलावा जो बाइडेन ने खुल के ये कहा है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हर लेवल पर मुस्लिम जो हैं वो आ, उनको पोस्ट उनकोदे दिए जाएंगे तो बहरहाल अब तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं और होपफुली वो जब जनवरी में हल्फ उठाएंगे तो अब तो उनको किसी पॉलिटिकल एजेंडे की ज़रूरत नहीं है ये बता ये बात बताने के लिए कि मुस्लिम हर जगह होंगे क्योंकि दूसरी जो रिलीजियस कम्यूनिटीज़ हैं वो भी तो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू हर लेवल पर होंगे ये नहीं कहा कि बुद्धिस हर लेवल पे होंगे जूश हर लेवल पे होंगे इवन क्रिश्चियंस हर लेवल पे होंगे जो कि क्रिश्चियन मेजोरिटी का कंट्री है उन्होंने खास तौर पर कहा कि मुस्लिम्स उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हर लेवल पर होंगे तो उनका ये कहना है उनका ये समझना है कि मुस्लिम्स पर कोर्ट अंड कोर्ट को बुरा वक्त था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ऑन द अदर हैंड जब आप इलेक्शन के रिजल्ट देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम्स कम्यूनिटी ने भी वोट डाले हैं अगरचे मेजोरिटी में नहीं डाले मगर मुस्लिम कम्यूनिटी ने भी वोट डाले हैं और इसके साथ साथ जो वोट बैंक है उनका वो हिस्पैनिक, ब्लैक्स कम्युनिटीज और इवन एशियन कम्युनिटी में बड़ा है ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को सिर्फ और सिर्फ वाइट का ही रिप्रेजेंटेटिव मीडिया ने बना के पेंट किया लेकिन जो वोट्स हैं ग्राउंड पे जो सामने आते हैं हिस्पैनिक जो के मैक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनाने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी उसी मैक्सिको के बॉर्डर वाले जो हिस्पैनिक हैं उन्होंने पहले से ज़्यादा वोट डाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इसी तरह ब्लैक अफ्रीकन के वोट डालने की रेशो जो है वो टू के इलेक्शन से बड़ी है सुपरचैट में ये मैं आज का खसूस एनालिस आपके साथ कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर आपके क्वेश्चन अब तक आना शुरू हो चुके हैं तो हम साथ साथ उनको भी एड्रेस करते रहें तारून भोला जी ने हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी किया उनका सवाल है कि अकॉर्डिंग टू यू वट विल बी द स्टैंड ऑफ द जो बाइडन विद रेफरेंस टू द पोलिटिकल सनेरियो इन द इंडियन सब कॉन्टीनेंट स्पेसिफिकली टूवर्ड्स चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इन्हीं चीज़ों की तरफ तारुण जी आने वाला था आपने अच्छा किया कि क्वेश्चन पोज करके क्वेश्चन लिख के हमें अब डायरेक्ट इन इश्यूज की तरफ लाया है आपने देखिए बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जो बाइडन की जो चाइना की तरफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो इनफैक्ट पैंटागॉन की ही पॉलिसीज़ हैं और वो पैटागॉन की पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में भी हैं वो टफ़ ही स्टैंडस रहेगा लेकिन इंडियन सब में इंडिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे अमेरिका के भी रहेंगे लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क आएगा शायद पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो था जिसे मैं कहूँगा कि अंदर ही अंदर थोड़ा सा टफ स्टैंड था वो उतना शायद टफ ना रहे इतना ईजी भी नहीं होगा लीनियट भी नहीं होगा मगर वो अगर ईज आउट होता है पाकिस्तान के लिए तो भारत को पाकिस्तान से थ्रेट सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सी टेररिज्म की होती है और किसी किस्म की थ्रेट भारत को नहीं होती इसलिए भारत बहुत बड़ा देश है तो उनको सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान की जो कश्मीर में प्रॉक्सी टेररिज्म की पुरानी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी भी ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं वो सिर्फ़ ये खतरा होगा कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि वो अपनी आंखें ज़रा और खुली रखेंगे लेकिन चाइना की तरफ से आ, जो टफ़ स्टैंडस होगा टूवर्ड्स इंडिया वो वो नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि जो बाइडन आ गए चाइना के लिए अमेरिका की टफ पॉलिसीज़ रहेंगी अभी तो यही लगता है चूँकि अभी तो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऑफिस लेना तो दूर की बात है अभी तो उनकी ऑफिशियल जो है वो भी तकर्री नहीं हुई ऑफिशियली वो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं बने चूँकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी कंसीड नहीं किया अभी कोर्ट्स की शायद कुछ हो फाइट्स लेकिन ये साफ़ है कि जो बाइडन ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन प्रेसिडेंट के तौर पर हल्फ लेंगे जनवरी ट्वेंटी में उसके एक साल बाद चीज़ें वाजे होंगी कि इनकी किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और चाइना के साथ इनका रिलेशनशिप किस तरह जाता है लेकिन जो वहाँ पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पेंटागॉन की जो पॉलिसीज़ लग रही हैं वो लगता है कि चाइना के साथ टफ़ रहेंगे आपके सवाल के साथ साथ मैं इसमें कुछ चीज़ें और भी जो मैं पीछे अब डिस्कस कर रहा था राइट और लेफ्ट की बातें तो देखिए राइट और लेफ्ट की जो बहस है मीडिया अमेरिका का एक दोर्ट सी एन एन हो ए बी सी न्यूज़ हो एम एस एन बी सी हो जि, जितने भी बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं न्यूयॉर्क टाइम्स हों वाशिंगटन पोस्ट हों ये सभी के सभी एक तरह से पार्टी बने हुए तो उन सब का ये ख्याल था कि प्रेजिडेंट ट्रम्प को अगली बार नहीं रीअलेक्ट होना चाहिए और जो वो नहीं हो सके अपरेंटली यही लगता है लेकिन अच्छे खासे वोट लिए हैं लेकिन ये बात तय हो गई कि ये सारे का सारा लेफ्ट का मीडिया जो है ये एक तरह से पार्टी बना हुआ था मीडिया आज के ज़माने में पार्टी होता है मीडिया के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक रिपोर्टिंग का होता है एक ओपिनियन का होता है जैसे मैं आपसे इस वक्त चैट कर रहा हूँ तो ये ओपिनियन है और इसके साथ साथ मैं कुछ रिपोर्ट भी कर रहा होता हूँ रिपोर्ट ये कर रहा होता हूँ कि जैसे जो बाइडन प्रेजिडेंट इलेक्ट हो गए हैं अगर मैं इस रिपोर्टिंग में ये कहूँ कि वो अभी नहीं हुए प्रेजिडेंट इलेक्ट और उनके चांसेस नहीं हैं तो फिर डंडी मारने वाली बात होती है फिर इसका मतलब ये होता है कि मैं हक़ को नहीं मान रहा हाँ मैं ओपिनियन ये दूँ कि मैं बहुत एग्री नहीं करता प्रेसिडेंट जो बाइडन इलेक्ट की पॉलिसी से या प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी से तो वो एक ओपिनियन होती है लेकिन रिपोर्टिंग में कोई भी मीडिया गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए लेकिन हमने ये अब देखा है चार साल में अमेरिका में भी और दुनिया भर में हम कई सालों से देख रहे हैं कि अब मीडिया राइट लीनिंग का हो या लेफ़्ट लीनिंग का हो और दुनिया का जो अक्सर मीडिया है वो लेफ्ट लीनिंग का है वो मीडिया चाहे राइट लीनिंग हो चाहे लेफ्ट लीनिंग हो वो अब रिपोर्टिंग में भी डंडी मारता है ये एक रियलिटी है पहले भी ऐसा होता था लेकिन सोशल मीडिया के बहुत वाइब्रेंट हो जाने की वजह से अब चीज़ें पब्लिक पे जनता पे खुली रहती हैं यही अब सूरत हाल में अर्नब गोस्वामी की जो सिचुएशन है उसके साथ जोड़ना चाहूँगा अर्नब गोस्वामी के हवाले से इस वक्त भारत के तमाम सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि अर्नब गोस्वामी बेकसूर हैं उनको पर्सनल वंदेता के चक्कर में पकड़ा है उनके साथ जुल्म हो रहा है उनके साथ ज्यादती हो रही है बीजेपी के जो बहुत ही टॉप मिनिस्टर्स हैं जैसे अमित शाह जी हैं उन्होंने कंडेम किया और भी मिनिस्टर्स ने कंडेम किया महाराष्ट्र सरकार के जो गठबंधन जो खास तौर पर कांग्रेस का और शिवसेना का है उसके हवाले से उन्होंने लेकिन यूँ लगता है कि जैसे ये सारी बातें पॉलिटिकल रेट्रिक हैं चूँकि अर्नब गोस्वामी अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जेल में है मैं उनके जो केस के लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिन बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया है मैं उस पर डिस्कस नहीं आ, करना चाहता ना मैं करूंगा इसलिए कि वो मेरे जुरुस्टिक्शन में यानी मेरी जर्नलिस्टिक जुरुस्टिक्शन में नहीं आता वो भारत का मामला है और वो उसकी लीगलिटीज़ जो हैं वो 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 भारतीय सरकारें चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो बेहतर जानती हैं मैं नहीं बेहतर जानता मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जो डिबेट हो रही है उसके हवाले से बात करूंगा और ये बात फिर जुड़ी हुई है राइट और लेफ्ट की आइडियोलॉजी के साथ जो सिचुएशन हमें अर्नब गोस्वामी के हवाले से आ, इस वक्त भारत में नजर आती है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी की पोजीशन हमेशा बीजेपी की पॉलिसियों की हमायत के हवाले से साफ नज़र आई वो हमेशा अपने टेलीविज़न पे टुकड़े टुकड़े गैंग की बात किया करते थे उनका ये ख्याल था कि जो बाकी पार्टियाँ ख़ासतौर तो पर कांग्रेस पे उनका बहुत ये होता था और कांग्रेस पे भी सबसे ज़्यादा उनका क्रिटिसिज्म रहा है गांधी फैमिली पर और जब से वो सुशांत सिंह राजपूत केस की जर्नलिज्म के हवाले से उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तब से वो शिवसेना के साथ भी उन्होंने टक्कर ली चूँकि शिवसेना इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के साथ गठबंधन में है तो ये इस कॉन्टेक्स में अब यही समझा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी पर वो जो मुकदमा था जिसकी फाइल क्लोज हो चुकी थी एक आर्किटेक्ट की सुसाइड के हवाले से जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी का नाम भी अपनी सुसाइड नोट में लिखा हुआ था वो फ़ाइल कहते हैं क्लोज़ हो चुकी थी मेरे पास उसकी कोई एविडेंसेस नहीं है और अब जो डिबेट चल रही है वो ये कह रहे हैं कि उस फाइल को जो दोबारा खोला गया है तो वो कांग्रेस की जो ख़ास तौर तो पर गांधी फैमिली है उन पर चूँकि अर्नब गोस्वामी का क्रिटिसिज्म बहुत ही सख्त हुआ करता था उसकी बुनियाद पर शिवसेना और महाराष्ट्र पुलिस ने ये एक्शन किया है और चूंकि अर्नब गोस्वामी जी को हमने देखा कई महीनों से वो जब सुशांत सिंह राजपूत के केस के सिलसिले में अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट्स अपने टीवी पर पब्लिश कर रहे थे तो वो कड़े हाथों लेते थे महाराष्ट्र सरकार को भी और उसके साथ साथ वहाँ की पुलिस को भी लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग टर्न ये आया कि बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो अपनी ही बीजेपी की सरकार से ये कह रहे हैं कि आप क्यों अर्नब गोस्वामी को नहीं बचा रहे सिर्फ ट्विटर पे ही क्यों आप बयान दे रहे हैं अमित शाह जी जो इस वक्त सेंटर की सरकार है उसके बहुत ही की मिनिस्टर हैं बीजेपी पार्टी के की फिगर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे बड़े अहम समझे जाने वाले ये शख्सियत हैं तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त बीजेपी पर भी ये तनकीद आ रही है कि आप क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे अब जो मैं समझता हूँ ज अमेरिका हो कैनेडा हो भारत हो जो सरकारों का एक जो ओवरऑल रवैया होता है वो ये होता है कि इतना इजी नहीं होता कि आप लीगल इश्यूज में एकदम से कोई सेंटर की सरकार किसी प्रोविंस या स्टेट की सरकार के साथ बहुत बड़ी फाइट ले और कोर्ट अनकोट जब वो फ़ाइट उनके लिए अननेसेसरी हो अब उनके ट्वीट्स तो आ रहे हैं और जनता की ये भी डिमांड आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के जो सपोर्टर हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं अर्नब गोस्वामी फट से बाहर आ जाएं और वो एक हीरो के तौर पर एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर सराहे जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि जर्नलिज़म में शायद इतना आसान काम नहीं होता चूँकि अर्नब गोस्वामी जी जो पोजीशन हमेशा से लेते रहे हैं मैं हमेशा से जब कहता हूं तो मेरे सामने उनका जर्नलिज्म का काफ़ी बड़ा जर्नी है आज से कई साल पहले जब हम उनको एन डी में देखा करते थे वो बिल्कुल उनका डिफरेंट जर्नलिस्टिक रवैया होता था फिर हमने उनको गुस्ता चंद सालों में जब से ख़ास तौर तो पर रिपब्लिकन टीवी उन्होंने लॉन्च किया तो उसमें उनका एक अपना जोशीला अंदाज आ, हमने देखा और उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हुई उन्होंने साफ कहा कि हम नेशनलिज्म की बात करेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को हम एक्सपोज करेंगे तो ये ये सब उनका आ, एक ओपिनियन पर उन, उन्होंने पोजीशन ली वो उनको लेने का हक है लेकिन ये बहस इस वक्त छिड़ी हुई है कि आफ्टर ऑल भारत की जो जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो भारत के टॉप के जर्नलिस्ट हैं चाहे वो लेफ्ट के हों चाहे वो सेंटर के हों वो क्यों अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट नहीं कर रहे प्रिंट मीडिया के चीफ़ एडिटर जनाब शेखर गुप्ता ने आज ही ट्विटर पे बातचीत करते हुए खुल के कहा कि भई अर्नब गोस्वामी के स्पोर्ट के हवाले से तो जर्नलिस्टों से ये डिमांड की जा रही है कि उनकी सपोर्ट करें लेकिन जब कुछ और जर्नलिस्टों के साथ जो लेफ़्ट के हैं चूँकि जो शकर गुप्ता जी हैं वो समझे जाते हैं लेफ्ट लीड जर्नलिस्ट हैं एक पुराने सीजन जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ कुछ लोग उनको सेंटर का भी जर्नलिस्ट समझते हैं तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि फ़ला फ़लां जर्नलिस्टों के साथ जब ये हुआ था ज्यादती का मामला तो उस वक्त अमित शाह जी या दूसरे मिनिस्टर्स की क्यों ट्वीट्स नहीं आई थी क्यों कंडेम नहीं किया था तो यूँ लगता है कि अर्नब गोस्वामी आ, जो हैं इस वक्त अपनी सख्त पोजीशन लेने की वजह से या कड़ी पोजीशन लेने की वजह से पर्सनल विध्यता के शिकार तो हो ही रहे हैं लेकिन उनकी सेंटर की सरकार भी उस तरह मदद नहीं कर पा रही और ये एक सवाल है और मैं इस पर भी कन्विंस हूँ कि आफ्टर ऑल वो बाहर आएंगे, उनकी बेल भी हो जाएगी अभी तो आज तो हाई कोर्ट ने उनकी बेल जो रिजेक्ट की है लेकिन आगे चल कर उनकी बेल भी हो जाएगी तो क्या वो अपनी पोजीशन किस तरह लेंगे क्योंकि पहले भी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई कई बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया जब वो वापस आए अपने स्टूडियो तो उन्होंने उनको चैलेंज किया जो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले कर गए थे ये एक रियलिटी है कि दुनिया भर में जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे होते हैं चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टी की सरकार हो जो इस्टेबलिशमेंट के इदारे होते हैं ब्यूरोसी होती है ख़ास तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे वो पसंद नहीं करते कि उनको आप इस तरह सरेआम चैलेंज करें या ललकारें तो ये एक बहुत ही मुश्किल रिलेशनशिप होता है ये जर्नलिस्टों को भी तय करना होता है कि किस तरह हमने अपनी बात भी कहनी है और किस तरह हमने अपनी पोजीशन भी लेनी है और किस तरह हमने इनके इंतकाम का या इनके पर्सनल वेंडेटा का भी शिकार नहीं बनना ये एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है भारत इस वक्त इस बहस में है बहुत सारी इसकी तहें हैं मैं और क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपके क्वेश्चंस के साथ जुड़ा जाए शाहरुख गुप्ता जी हर बार हमें कंट्रीब्यूट करते हैं सिडनी से हमें वॉच कर रहे हैं चार बजे सुबह के थैंक यू वेरी मच शाहरुख भाई आ, आपने परमीला जयापाल और जयशंकर के तालमेल अच्छी नहीं है एंड हैरिस एंड जयापाल में बहुत डीप रिलेशनशिप है क्या इंडिया के लिए टफ़ टाइम होगा देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कभी कभी मैं भी कहता हूं अभी भी मैंने कहा कि भारत के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप तो बहुत आ, नहीं होंगे इफ़ेक्ट मेरे ख्याल में लेकिन ये ज़रूर आपने अहम बात उठाई जो जिया पाल जी, जी हैं या जिस तरह कमाला हैरस इनके ये ये लेफ्ट के बल्कि कहीं कहीं एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं कश्मीर पे इन्होंने पोजीशन भारत की पोजीशन से डिफरेंट ली थी अब अमेरिका की इस्टबलिशमेंट या सरकार शायद भारत की पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन ना ले मगर इन पॉलिटिशंस का रिलेशनशिप भारत के पॉलिटिशन्स के साथ वो नहीं होगा जो भारत देखना चाहता है अगर किसी मौका पर इन्होंने ये बात कमला हैरस ने कर दी बिकॉज तो वो तो अब वाइस प्रेसिडेंट होंगी अब वो सिर्फ सेनेटर नहीं हो हैं तो वो एक तरह से कड़वाहट जरूर पैदा होगी आप उसकी बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मीडिएशन की बात की थी तो भारत पर पसंद तो नहीं की गई थी वो तो प्रेजिडेंट थे उस वक्त तो इसके अलावा अगर बात की हद तक बात रहती है तो ठीक है लेकिन अगर बात इससे ज़्यादा आगे जाती है तो फिर थोड़ी सी करवाहट होगी मैं आपको याद दिलाऊं सौरभ जी इसी रिपब्लिकन सरकार के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैनिटर लिंडसे ग्राहम ने ये वाज तौर पर कहा था एक स्टेज में बैठे हुए जयशंकर जी जहां भारत के फॉरन मिनिस्टर थे तो सैनिटर लिनज ग्राहम ने कहा था कि हम कश्मीर पे आपके साथ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम एग्री नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के ही सेनेटर हैं और वो बड़े की सेनेटर हैं तो जय शंकर जी ने बल्कि उन्होंने ग्राम ने यहाँ तक कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी से हमें कोई इनकार नहीं है बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर तो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी के बारे में हम हम खुश नहीं हैं ये उन्होंने बात कही थी और जय शंकर ने उसी स्टेज पर बैठे हुए कहा था वर्ल्ड फोरम था उसमें उन्होंने कहा था कि मिस्टर सैनिटर यू better वरी अबाउट अमेरिकन डेमोक्रेसी आप हमारी डेमोक्रेसी के बारे में परेशान ना हो तो ये तो उन्होंने रिपब्लिकन सेनेटर उस वक्त के राइट हैंड वन ऑफ द राइट हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को कड़ा जवाब दिया था तो अगर कमाला हैरिस भी इस तरह की बात करती हैं तो भारत एक बड़ा कंट्री है भारत अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर हमेशा से काम रहा है जो भी उनकी सरकार रही हो तो अब भारत में मैं ये समझता हूँ दो लोग बहुत ही की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद एक तो जयशंकर जी हैं और दूसरे अजीत डोवाल जी हैं दोनों एक फॉरेन ऑफिस को एक नेशनल सिक्योरिटी को डील करते हैं दोनों मिनिस्टर्स हैं और दोनों की पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहे दोनों ए पॉलिटिकल लोग थे लेकिन इस वक्त जनता आ, के फेवरेट मिनिस्टर्स भी हैं लेकिन दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं और वो दोनों दुनिया के नक्शे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो दोनों किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आने वाले लोग नहीं है वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को ही टॉप पे रखेंगे अमेरिका की ज़रूरत भारत को कितनी है ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पे सौरभ जी और बाकी साथियों ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा देखिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड रहा है आलमोस्ट सिक्सटी फाइव ईयर्स इंडिया के साथ भी उन्होंने अच्छे तल्लकार रखने की कोशिश की लेकिन इंडिया को बहुत सारी बातें अमेरिका की सूट नहीं की लेकिन इंडिया ने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की और सरवाइव किया है अब इंडिया बहुत बेहतर पोजीशन में है अगर जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के हवाले से जो जो आप पीछे साथी ने सवाल किया था चाइना का उसमें तो मुझे लगता है कि ऑन बोर्ड रहेंगे दोनों कंट्री लेकिन जहाँ कहीं ये अफ़गानिस्तान या कश्मीर का मसला आता है शायद कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए लेकिन उसका इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि इंडिया डिपेंड नहीं करता अमेरिका पर लोग समझते हैं करता है कुछ लोग नहीं करता ये इंडिया की पुरानी हिस्ट्री भी बताती है आज का दिन भी बताता है और कल का दिन भी बताएगा क्वेश्चन हम और लेते हैं और बातचीत आके हमारी जारी रहे या वरदान जी रेगुलर हमारे कंट्रीब्यूटर हैं थैंक यू इंडियन इलेक्शन सिस्टम एंड इंडियन मीडिया पोल्स आर वेरी बेटर यू एस वाई यू एस मीडिया एंड इलेक्शन सिस्टम इज़ नॉट गुड इनफ देखिए वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत की है मीडिया ने मैं नहीं समझता कि वो नहीं जानते थे वो जानते थे उनका यही रेटरक था इन, पोल्स का भी यूएस में और मीडिया का भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी प्रोजेक्शन दिखाएं ताकि एक हाइप क्रिएट हो जो बाइडन के लिए वो सब के सब जान छुड़ाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा पाए हैं इस सारी मेहनत के बावजूद मैं ये कहूँगा तो अगर वो ये सब कुछ ना करते तो शायद वो जान न छुड़ा पाते क्योंकि वो इन कोर्ट अन कोट अपने वर्ड्स में जान छुड़ाना चाहते थे डोनल्ड ट्रम्प से तो इतनी मेहनत करने के बाद ही वो जान छुड़ा पाए हैं उनकी नलाइकी नहीं थी वो उनका अपना मैनिपुलेटिव स्टाइल था जो उन्होंने पूरा एडी चोटी का जोर लगाया और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी ये पोल्स के इदारे थे ज्यादातर बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के साथ जुड़े हुए थे ये इंडिपेंडेंट हरगिज़ न थे न रहे हैं अब न रहेंगे ये आप ख़ुद पार्टी बन चुके हुए हैं और क्वेश्चंस ले रहे हैं हम इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं यूट्यूब में के राही भी और पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी इंटरनेशनल के राही हम वेनसडे को आपको कुछ और चॉइसेस भी देंगे हमें कंट्रीब्यूट करने के हवाले से होपफुली वेनसडे तक हम हमारी वेबसाइट पे एक ऐसा पेज बन चुका होगा जिसमें हम आप डायरेक्ट जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे वो एक और ऑप्शन आपके पास आ जाएगा हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही वो रेडी होगा वो देंगे क्वेश्चंस हम साथ ले रहे हैं व्हाई नो वन इज़ हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग अरन हाउ कैन दिस इनजस्टिस बी एक्सेप्टेड ताजी इंडिया इज़ बिकमिंग पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट कंसर्न भी है देखिए जो अर्नब जी के सपोर्टर हैं मैं भी उनकी कदर करता हूँ अर्नब जी की लेकिन वहाँ पर जो हमारी सपोर्टर्स आती हैं वो इस वक्त काफ़ी इमोशनल हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो केस है ये अर्नब वर्सेस स्टेट हुआ हुआ है ऐसा नहीं है काफ़ी मैसी सिचुएशन है क्योंकि अर्नब मेरी पर्सनल ओपिनियन में अर्नब गोस्वामी जी का जो एक बड़ा ही दबंग एटीट्यूड रहा है उससे कुछ स्टेक होल्डर काफ़ी नाराज़ हैं साफ़ नज़र आता है कांग्रेस सरकार की जो फैमिली है मैं उसमें किसी पार्टी को मैं इसके बीच को पार्टी नहीं बन सकता ना बनना चाहता हूं मैं यहाँ कनाडा में बैठा हूं आप से ये बातचीत करता हूं आप लोग वहाँ पे जो बैठे हैं सिचुएशन को एक्चुअली ग्राउंड पे बेहतर समझते हैं हम वहां के लिगैलिटीज़ को नहीं जानते हमें जो वहां की चीजें सरफेस में नजर आ रही हैं उसमें नजर आ रही हैं आपका क्वेश्चन है कि क्यों इंडिया में उनकी कोई मदद नहीं करता अब आप देखिए कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी इतने खुले शब्दों में ट्वीट देते हैं अर्नब गोस्वामी के हक में और उनके खिलाफ फोर्सेस के हवाले से तो फिर आप और मैं कहा मैटर करते हैं आपका जो कंसर्न है आ, वो वो एक सिटीज़न के तौर पर अपनी जगह पे मैं एक दूर दराज बैठा हुआ जर्नलिस्ट हूँ मेरी कमेंट्री या जो कंसर्न है अपनी जगह पे जब होम मिनिस्टर और वो भी आ, इतने खुले शब्दों में अर्नब को सपोर्ट कर रहे हैं अगर इसके बावजूद अर्नब की रहाई नहीं हो रही अभी तक जो हो जाएगी आई एम श्योर आने वाले कुछ दिनों में बेल हो जाएगी फिर वो मुकदमा चलेगा तो ये एक कंसर्न आपके लिए या मेरे लिए नहीं है वो वहाँ पे है ऐसा नहीं है कि इंडिया की सरकार यानी जो सेंटर की सरकार है वो उनको दबाना चाह रही है वो तो उनके हक में है अर्नब गोस्वामी के हक़ में है कम अज़ कम ट्विटर पे तो हमें यही दिखाई देता है सोशल मीडिया पे तो यही दिखाई देता है प्रैक्टिकली कितना कुछ हो रहा है या कितना कुछ हो सकता है एक सरकार यानी सेंटर की सरकार जो स्टेट की सरकार है महाराष्ट्र की सरकार से कितना वो क्लैश कर सकती है और उससे बड़ी बात ये है कि पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कितना पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार क्लैश कर सकती है उसके बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं लिगैलिटीज़ हैं और सारा कुछ है तो मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त तो इमोशनल जो साथी हुए हैं मैं उनकी जज्बात को समझता हूँ लेकिन इट इज़ नॉट ईजी केस दैट्स वाई वो फौरी तौर पर आपको अपनी जो है मन के मुताबिक जाता नज़र नहीं आ रहा अदरवाइज़ स्टेट की जो सरकार है सेंटर की जो सरकार है वो तो अरनब के साथ खड़ी नज़र आती है तो इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई ऑफ कोर्स कोई उसके अंदर कोई ऐसे आ, कोई होंगे इश्यूज जिसकी वजह से हल नहीं हो पा रहा और हम क्वेश्चंस ले रहे हैं आ, वाइट फोबिया इन अमेरिका इंटरेस्टिंग ये है मैं पहली बार ये uh, सुन रहा हूँ uh, जो फ्रेज़ है वाइट फोबिया कभी सोचा नहीं देखिए बात यह है कि पीछे मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो अब राइट और लेफ़्ट की डिविज़न है वो रेशियल लाइंस पे समझी जा रही हैं रेशियल लाइन पे वो सामने आ रही हैं तो उस सिचुएशन में Uh, मैं ये समझता हूँ कि वाइट फोबिया जो है वो तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि जो डेमोक्रेट्स पार्टी के जो वोट्स हैं वो सारे के सारे कोई एथनिक वोट्स नहीं हैं उनमें भी मेजॉरिटी वाइट्स ही हैं तो इसके बावजूद मैं इसमें वाइट या ब्लैक या कोई कलर कार्ड्स नहीं समझता इसमें रेशियल कार्ड्स हैं और आइडियोलॉजीज़ के कार्ड्स हैं वो समित हैं उनके वोटर्स के रेशियल इनजस्टिस है अब अगर वाइट फोबिया की आप बात कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल सेवेंटी मिलियन से ज़्यादा जो वोट्स पड़े हैं उनमें जो एथनिक कम्युनिटीज के भी वोट पड़े हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को आप कह सकते हैं आठ से दस मिलियन शायद शायद वो भी हो मैं रफ ये कह रहा हूँ लेकिन बाकी जो साठ बासठ मिलियन वोट पड़े हैं वो ऑफ कोर्स वाइट अमेरिकन सेटलर्स के हैं इसी तरह जो बाइडन को जो वोट पड़े हैं सेवेंटी फोर मिलियन के करीब उसमें से भी ज़्यादा परसेंटेज तो वो वाइट अमेरिकन की ही होगी तो अब ये जो रेशियल डिविजन्स बन चुकी हैं किसी बेस पे वो नज़र आती भी हैं और नहीं भी आती नहीं नज़र आती हैं जब मैं ये कहता हूँ तो इससे मेरी मुराद यह है कि आफ्टर ऑल वाइट्स की मेजोरिटी ने जो बाइडन को भी तो वोट डाला तो इसका मतलब है कि वो तो एक ही अमेरिकन होने के नाते उन्होंने वोट डाला एशियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन हिस्पैनिक अमेरिकन इसी तरह वाइट अमेरिकन तो एक ही लेवल पे सारे रहे इसलिए कि ये ये डिवीज़न अपनी जगह पे लेकिन बहरहाल वोट तो सब ने अमेरिकन होने के नाते डाला जो वोट पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को उसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा वाइट्स का वोट था मगर उसमें दूसरी कम्यूनिटीज़ का भी वोट था तो फोबिया तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ये रेशियल डिवीज़न है और ये रेशियल डिवीज़न के ख़त्म करने की बात भी जो बाइडन ने की है उन्होंने कहा है कि आइए अब हम मिल बैठें इलेक्शन ख़त्म हुआ अपना गुस्सा ख़त्म करें और अमेरिकनज होकर सोचें ये बहरहाल देखते हैं कि जो बाइडन की आगे पॉलिसियाँ क्या रहती हैं और क्या उनकी ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ पोलिटिकल स्टेटमेंट है या वो रेशियल कार्ड्स आगे अपनी प्रेजिडेंसी में भी खेलेंगे उस जब इलेक्शन का समय आएगा तो फिर तो दोनों पार्टियां खेलेंगे ही ये तो एक रियलिटी है तो बहरहाल ये सिचुएशन है देखेंगे आने वाले दिनों में ये सूरत किस तरफ जाती है फिर आप और हम इस इसमें मज़ीद बातचीत करेंगे क्वेश्चन और आ रहे हैं कमेंट्स भी आ रहे हैं अजीत हराड़ जी का क्वेश्चन है डोंट यू थिंक लॉ इज़ कप ऑफ टी फॉर अपर क्लास पीपल इन इंडिया अपर क्लास पीपल आर मैनू लॉ एज़ पर देर विश सलमान खान केस देखिए अजीत भाई बात ठीक है अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि शायद आ, सिर्फ मैं आपको बोलूँ कि भारत में ही नहीं दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लॉ इतना महंगा होता है वकील करना यहाँ कैनेडा अमेरिका uh, यूरोप में इतना महंगा होता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड केस में आप uh, के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि आप जस्टिस uh, को हायर कर सकें मेरा मुराद ये है कि पहले जस्टिस का जो मरहला होता है वो तो लॉयर को और लीगल टीम को हायर करना होता है ना तो अगर वो हायर नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद कोर्ट में तो आप कैसे पेश होंगे तो यहाँ पे इतना वो एक्सपेंसिव है कि लगता है कि अपर क्लास का ही मामला है इंडिया में भी यही मामला है तो लेकिन इस मामले में जब हम अर्नब साहब के मामले में देखते हैं तो अर्नब साहब बहरहाल एक मामूली आदमी नहीं है एक टीवी चैनल के आ, मतलब वन ऑफ द हेड्स हैं और वो ख़ुद भी एक तरह से अपर क्लास में आते हैं उनके अपने नाते तल्लक भी अपर क्लास में हैं ऐसा तो नहीं है कि उनके नहीं हैं ये भी एक रियलिटी है तो इसके बावजूद जो, जो मैंने पीछे बात की कि ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई हुई है उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं देखिए एक आम आदमी के लिए वाकई शायद होम मिनिस्टर जी तो ट्वीट नहीं करेंगे एक आम छोटे मोटे जर्नलिस्ट के लिए तो अरब एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं एक अपर क्लास में आते हैं तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अपर क्लास के इश्यूज अपर क्लास के साथ क्लैश कर रहे हैं इसीलिए ये डिबेट भी छिड़ी हुई है तो ये है सिचुएशन जो मैं आप तक समझ पाया हूँ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शर्मा जी ने पूछा है कि चाइना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बाइडन एज यू एस प्रेजिडेंट हैज़ मोदी जम्प द गन टू अर्ली देखिए मेरा नहीं ख्याल कि मोदी uh, जी ने कोई टू अर्ली काम किया है चाइना की तो खैर अपनी पॉलिसीज़ हैं वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने डिसाइड करना है कि किस वक्त क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना और जहाँ तक मामला है मोदी जी का तो मोदी जी इस, इस मामले में समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को समझते हैं और मोदी जी जो भी आ, डिसीजन करते हैं आई एम श्योर कि वो अपने फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री के जो अफ़सरान हैं उनके साथ सलाह करके करते हैं मोदी जी इस मामले में बहुत ही मैं उनको सराहता हूँ वो बहुत सीजनड पॉलिटिशन हैं आ, और लेकिन आप देखिए नतिन याहू ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी यही दुनिया की डिप्लोमेसी में होता है क्योंकि प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बहुत अच्छे अंदाज़ में निभाई और एक मैं कहूँगा हिस्टोरिक काम किया जो अरब कंट्रीज़ को और इसराइल को टेबल पर लाए उनके साथ डील की ये कुछ छोटी बात नहीं थी तो नतन याहू ने बहुत शुक्रिया अदा किया प्रेजेंट ट्रंप का उन्होंने कहा कि आपने वो तरीक़ साज़ काम किया जिसके लिए इसराइल और इसराइल की आवाम आपके हमेशा से शुक्रगुजार रहेंगे साथ साथ उन्होंने कहा कि अब चूंकि जो बाइडन प्रेजिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं हम उनसे भी तो करते हैं कि वो इसी तरह के रिलेशनशिप इसराइल के साथ रखेंगे और इसी तरह हमारी जो दोनों देशों की दोस्ती है और जो स्ट्रैटिकलाइंस है वो चलता रहेगा तो यही बात मैं समझता हूँ इंडिया पर फिट आती है तो इंडिया के हवाले से प्रेजिडेंट ट्रंप ने अब तक कोई प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़े काम मुझे नज़र नहीं आते टैरफ भी लगाया था और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने आ, कश्मीर के हवाले से भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ऐसी स्टेटमेंट या नहीं दी जिससे इंडिया कहे कि जी को बहुत अजीम दोस्ती का काम था इसराइल तो कह सकता है तो इसके बावजूद उनके अच्छी कमिस्ट्री भी थी दोस्ती भी थी तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समझते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन के आ जाने से जो अब एक रियालिटी है आ जाने से भारत और इंडिया कि सॉरी भारत और अमेरिका के तलक़ा अच्छे रहेंगे और ऐसा समझना चाहिए और ऐसा अमेरिका को भी समझना चाहिए और रहेंगे अच्छे तलकत आप हमें सुपरचैट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के सिलसिला में भी अपने कमेंट्स के सिलसिला में भी अपने कंसर्न्स भी लिख रहे हैं हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम आज चाहेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को एड्रेस करें और आज की सूरत हाल जो आपके साथ डिस्कस की उस पर भी बातचीत करें आप paypal पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पे ट्वेंटी फोर सेवन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो जो साथी करते हैं हम उनके हमेशा से शुक्रगुजार रहते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है ट्रंप हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट व्हाट कैन हैपन इन दिस विल ट्रंप गेट एनी हेल्प मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजिडेंट ट्रंप को, को बहुत उनके मुताबिक जिस तरह वो चाह रहे हैं कुछ सपोर्ट मिलेगी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लॉज के पैरामीटर के मुताबिक काम करना है और हो सकता है किसी एक आध स्टेट में काउंटिंग प्रेजिडेंट ट्रम्प के हक में भी चली जाए लेकिन आ, लगता यही है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन हैं और ऑफिशियली भी वही अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं हमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि आने वाले शोज़ में हम आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के नए तरीके भी बताएंगे इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में हमारे सुपर चैट के भी कुछ स्टाइल को चेंज करेंगे आ, अभी हम आपको नहीं बताते एक आध हफ़्ता ठहरिए थोड़े से इसमें और रंग आपको शामिल होते नज़र आएंगे जी आ, अमुल जी का क्वेश्चन है कि ईरान रिक्वेस्टेड इंडिया टू सपोर्ट रेल प्रोजेक्ट यू थिंक इज दिस बिकॉज ऑफ बाइड विक्ट्री एंड हाउ इंडिया शुड रिस्पॉन्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ईरान के अच्छे टर्म्स रहे भारत के साथ और ये जो पोर्ट के भी मामले थे वो भी इनके चाहबार जो उनकी पोर्ट थी उसमें भी अच्छी पार्टनरशिप रही फिर हमने पिछले महीनों सुना एकदम से कि चाइना के साथ ऑन बोर्ड चले गए उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन नहीं चाहते थे कि इंडिया ईरान के साथ रहे और इंडिया को भी जाहिर है अमेरिकन स्ट्रेटजिक अलाइंस में हैं क्वाड में हैं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं चाहे ट्रम्प थे चाहे बाइडन आ गए हैं तो वो तो होपफुली चलती रहेंगी इसके साथ साथ ईरान भी थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है उनको भी एकदम से मुस्लिम कार्ड खेलने का ख्याल आ जाता है सी ए पे उन्होंने बग़ैर सोचे समझे बात कर दी बगैर जाने बात करती तो इस तरह रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं रहते अब फिर ईरान को भी आइडिया हो रहा है कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है इंडिया की शायद जिस तरह चाइना से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो ख़बरें में आ रही उस तरह चीज़ें नहीं हो रही तो अब इंडिया को कितनी मदद करनी चाहिए ये इंडिया बेहतर जानता है इंडिया की फ़ॉर मिनिस्ट्री बेहतर जानती है मैं इसके मामले में तो एक राफ सी कमेंट्री कर सकता हूँ जिसकी फ्रेंकली आ, कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं होती इसलिए कि जो अंदर की बातें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ऑफिशल जिस तरह जानते हैं वो फ्रेंकली मैं या आप नहीं जान सकते ये एक रियलिटी है लेकिन जो कमेंट्री हमें नज़र आती है वो ये है कि जो कंट्रीज़ का आपस में रिलेशनशिप होता है वो उसके कई उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें मेरा ख़्याल है कि रिलेशनशिप को अच्छे रखने में कोई हर्ज नहीं है एज़ लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल एज़ लॉन्ग एज़ वो दूसरे इंटरेस्ट पे वो वार ना हो तो ये है उसमें फिर आपका ये पूछना कि क्या जो बाइडन के आ जाने की वजह से है तो जो बाइडन तो अभी अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट बनते नज़र आ रहे हैं और यकीनी तौर पर वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो वो तो हम नहीं कहते कि इतना जल्दी जो बाइडन के आ जाने से दुनिया का कोई नक्शा बदल जाएगा और ना ही बदलेगा वो जब प्रेसिडेंसी ऑफिस में बैठ भी जाएंगे प्रेसिडेंसी चलती भी रहेगी तो कोई नक्शे दुनिया के नहीं बदलेंगे ये मैं आपको बात धावे से कहता हूँ ऑलरेडी जिस जिन पैरामीटर्स पे दुनिया चल रही है उन्हीं पैरामीटर के साथ उन्नीस बीस के फर्क में दुनिया चलती रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होगा लेकिन ईरान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो नॉर्मली रीज़नेबल रही हैं और उसमें जहाँ जहाँ उनकी मदद हो सकती है मेरा ये ख्याल है कि इंडिया Uh, उसके साथ रहेगा टेक ऑन हेल्थ टिप्स का जो हमारे रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर उनका एक क्वेश्चन है नर्वस ऑफ मुस्लिम पीपल इन यू एस इमोशनली बाई गिविंग प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेस इन टी डू थिंक हीस इन इज एडमिनिस्ट्रेशन जी वो ज़रूर देंगे uh, इसलिए कि अब यह कोई इलेक्शन का प्रामिस तो है नहीं इलेक्शन तो ओवर ऑल क्या अब ये बात अगर वो इलेक्शन के बाद कर रहे हैं तो वो उनकी कैंपेन का जो एक वन ऑफ द प्रामिज था कि हम सब कम्यूनिटीज़ को अपने साथ जोड़ेंगे मुस्लिम्स की वो बात किया करते थे तो वो उसका हिस्सा है तो उन्होंने अपने उस प्रामिस को कैप्ट करते हुए ये बात कही है अभी तो खैर वो प्रेसिडेंसी की सीट पे नहीं बैठे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो उनकी या उनकी जो टीम है वो तो ऑलरेडी बनी है ऑलरेडी उसमें सभी बैकग्राउंड के लोग हैं तो यकीनी तौर पर मेरा ख़्याल है पहले से बेहतर होगी सिचुएशन मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दे मोर इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस और भी हमें आ रहे हैं हम चाहेंगे कि आखिर में चंद क्वेश्चंस लें और फिर आज का हम सुपर चैट आपके साथ वाइंड अप करें ऋषि नाइन एम यूट्यूब का अकाउंट है उन्होंने पूछा कि अंडर ट्रंप बेस्ट थिंग इज मोदी क्वाद यू एस एंड इसराइल है सो बाइडन विल बी नॉट इफेक्ट ऑन मोदी नेक्स्ट फोर ईयर्स नहीं देखिए ऋषि जी मैं यही कहूँगा कि इंडिया में मोदी जी का जो दो बार प्राइम मिनिस्टर बनना है उसमें अमेरिका का को कोई लेना देना नहीं है आ, कोई भी अमेरिका का उसमें अमल दखल नहीं है आ, वो खुद भारत की इंटरनल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है वहाँ की जनता ने चाहा कि मोदी जी इलेक्ट इलेक्ट हुए फिर रीअलेक्ट हुए और आगे क्या होगा मोदी जी के साथ ज़ाहिर है उनकी अपनी परफॉर्मेंस उनकी अपनी डिलीवरी और जनता का उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी बेस पे होगा कोई कारण अमेरिका ना तो था भारत की पॉलिटिक्स में इवन सिर्फ मोदी जी की सरकारों में नहीं मैं दावे से कहता हूँ कि भारत की इंडिपेंडेंस के बाद अब तक किसी भी गवर्नमेंट बनने टूटने में अमेरिका Uh, का कोई uh, कोई हिस्सा नहीं है ख़ुद ही वहाँ का अपना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और यही भारत का हुसन है तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक अच्छे रिलेशनशिप अपरन थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर uh, जो बाइडन की पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली ना आई ख़ासतौर पर कश्मीर के मामले में एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आई तो तलक बहुत अच्छे रहेंगे जो बाइडन के साथ उनके तो अगर कोई ऐसी बात भी हो गई जो थोड़ी सी रफ़ बात हुई तो भी तल्लक अमेरिका के और इंडिया के जो स्ट्रेटजिक अलाइंस है क्वाड की आपने बात की वहाँ भी अच्छे रहेंगे क्वाड कोई डोनाल्ड ट्रम्प का नहीं शुरू किया हुआ मामला था ये तो पुराना चला आ रहा था ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में वो क्वाड का जो स्ट्रेटजिक अलाइंस था वो आगे बढ़ा और इस अलाइंस के ज़माने में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई चूँकि चाइना बहुत अग्रेसिव हो गया था तो इसलिए अमेरिका भी अग्रेसिव हुआ है ऐसी बात नहीं कि वो कोई भारत के साथ ही अपने तल्लक बनाते हुए ये शो कर रहा है अपनी मोहब्बत वो चूँकि अमेरिका की अपनी ज़रूरत थी चूंकि एग्रेसिव तल्लक उनके हो चुके हैं इनके साथ चाइनीज़ के साथ तो इसकी वजह है और इसके अलावा कोई नहीं है मैं आखिर में दो तीन क्वेश्चन और लेता हूँ इसको वाइंड अप करता हूँ क्वेश्चन वॉइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट इंटरवीन इन अरना भिशो यह सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है और मैंने खुद इसको शुरू में भी छेड़ा था कि ये ऑफकोर्स भारत के हालात ही बताते हैं हम तो यहाँ कनाडा में बैठे हुए उसको इस तरह नहीं समझ सकते मगर ये बात तय है कि जब मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि जब अमित शाह जी बार बार ट्विटर पे ये बात कर रहे हैं जो दूसरे मिनिस्टर्स कर रहे हैं इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर अगर चीज़ें हल नहीं हो रही तो यकीनी तौर तो पर कोई लीगल इशूज़ ही होंगे सरकारों के बीच में और कोई बात नहीं होगी जी अगला सवाल Uh, करनाव यादव जी का हाउ स्ट्रॉली डू यू थिंक दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल सपोर्ट इंडिया परमानेंट सीट इन द यू एन सिक्योरिटी कौंसल मेरा ख्याल है कि बाइडन uh, जो है वो सपोर्ट करें या ना करें ये एक अलग बात है इंडिया ख़ुद ये चाहता है और जब इंडिया ख़ुद परसू करेगा तो अमेरिकन को कोई इतराज़ नहीं होगा वो यकीनी तौर पर जो मुझे लगता है भारत के आँख में वोट देंगे सुपर चैट में हम बातचीत आपके साथ कर रहे हैं आज यही जो इश्यूज़ हैं राइट लेफ्ट की जो आइडियोलॉजीज़ है पॉलिटिक्स जर्नलिज्म में उसके साथ साथ जो बाइडन का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना और इनसे मिलती जुलती जितनी आइडियोलॉजीज़ की बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आखिर में एक आध और सवाल लेता हूं और फिर हम वाइंड अप करते हैं आज के इस Uh, गुफ्तु के सिलसिले को अक्षय जैन जी का पूछना है बट डू यू थिंक विल बी दिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर बाइडन इलेक्टेड रिप्रेजेंट डू यू थिंक अमेरिका विल होल्ड एनी कार्ड हेयर आफ्टर दिस इलेक्शन नहीं अक्षय जी मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ वो उनको मैं एक लाइन में फिर रिपीट करता हूँ कि जो बाइडन के आ जाने से अमेरिका चाइना के जो इस वक्त के स्ट्रेटजिक क्लैश हैं मैं ये कहूँगा स्ट्रेटजिक क्लैश मैं ये अशतलाह बरतूँगा वो वो रहेंगे इसलिए कि वो बहुत सीरियस हैं बहुत डीप हैं वो और जो बाइडन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किस तरह डील करती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा बल्कि आने वाले महीनों या सालों में पता चलेगा दिन तो बहुत थोड़ा अर्सा होता है और वो जो कार्ड आपने पूछा उनका कैसे खेला जाएगा दोनों कंट्रीज़ का चाइना और अमेरिका का तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई आ, कार्ड की अब बात नहीं रही अब सीधी सीधी खुली डिबेट है दोनों कंट्रीज़ की एस्टेब्लिशमेंट के बीच यानी चाइना के बीच और अमेरिका के बीच अब ये देखेंगे कि कैसे सिचुएशन आगे जाती है बिल्कुल आखिर में आखिरी सवाल टैक स्टडी हमारे टैग टी से मिलता जुलता नाम है ये का अकाउंट है जी आपके तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया कि डोंट यू थिंक चाइना शुड पे टू वर्ल्ड बिकॉज ऑफ़ लॉट पीपलिंग एंड इकोनॉमिक डाउन पीपल नो वन चाइना टू पे देखिए प्रजिडेंट ट्रंप ने तो ये बात कई बार कही थी कि चाइना को कॉन्सिक्वेंस देने होंगे अब ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या उनके अपने स्टाइल का अग्रेसिव स्टेटमेंट था या वो वाकई ही ही मेंट व्हाट ही वाज सेइंग ये अपनी जगह है अब ये एक अलग डिबेट है कि ये जो कोरोना पेंडेमिक था ये जो चाइना से निकला था ये तो एक रियलिटी है अब ये एक्सीडेंटल था या क्या था ये ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते ये तो दुनिया ही स्टडी uh, करेगी दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं सी आई ए है दुनिया के इतने बड़े बड़े अदारे हैं ये डिटर्मिन करना उनका काम है अब दुनिया में जो इकनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है इस पेंडेमिक की वजह से वो अपनी जगह पे एक बहस है आज एक अच्छी खबर भी आई फाइज़र जो मेडिसिन uh, बनाने की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी वैक्सीन टेस्ट कर ली है जो 90 परसेंट कामयाब है कोविड के ख़िलाफ़ तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है लेकिन उसके मार्केट तक जाने उसका 100 परसेंट इफ़ेक्टिव होने और हर शख़्स को मिल जाने में अभी बहुत अरसा लगेगा Uh, कुछ कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका कैनेडा में तो छः आठ महीने साल लग सकते हैं और जो अफ्रीका के और जो uh, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं अभी भी वहाँ तो पहुँचते पहुँचते शायद दो तीन साल लग जाएँ इस तरह की वैक्सीन के तो वो रेमेडी दुनिया अपने तौर पर बना रही है लेकिन अमेरिका या कोई भी कंट्री चाइना को पे करने की बात करे दुनिया के तो वो मेरा ख़्याल है आ, ये पोलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक तो ठीक है प्रैक्टिकली इसका क्या है फ़ायदा क्या नुकसान है ये मुझे नहीं नज़र आता है इसका कोई फ़ायदा और बाकी यह है कि इस वक्त चाइना को जो कंटेन करने की बात है वो सिर्फ पेंडेमिक के कॉन्टेक्स में नहीं है वो वैसे ही है वो तो चाइना की पॉलिसीज़ हैं ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं उस पर अमेरिका डटा हुआ कि हम हमने चाइना को कंटेन करना है कितना कर पाते हैं ये आप भी देखेंगे मैं भी देखूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने हमारे साथ सुपर चैट में शिरकत की हमने भी आपके साथ अपना तजिया पेश किया और ये बातचीत जारी रहेगी और आप हमारे सुपर चैट को सुनते रहें बाकायदगी से इसके अलावा भी हमारे शोज़ आते हैं आप उनको भी सुनते रहें और फिर आने वाले दिनों में आपको नए फॉर्मेट के साथ भी हम मिलेंगे और इस पुराने फॉर्मेट के साथ भी आपके साथ जुड़े रहेंगे आज का सुपर चैट टैग टीवी पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.